हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? दोस्तों देखो, आज हमारे पास है ये कूलर की पानी उठाने वाली मोटर। इसने काम करना बंद कर दिया है और आज हम आपको बताएंगे कि इसको घर पे ही आप किस तरीके से रिपेयर कर सकते हो। घर पे रिपेयर करने की हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं, बहुत ही शानदार। दोस्तों वीडियो अगर हमारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है? चलो हम दिखाते हैं कि इसको किस तरीके से घर पर ठीक करते हैं। दोस्तों ये रही हमारी मोटर पानी उठाने वाली कूलर की, ठीक है? ये जो है काम नहीं कर रहा, देखो हम इसको चलाकर देखते हैं। ये अभी काम नहीं कर रही। अब हम आपको इसको रिपेयर करने का सॉल्यूशन बताएंगे 100% वाला, ठीक है? दोस्तों वीडियो हमारी लास्ट तक बने रहें, ठीक है? एक भी स्टेप मत छोड़ना, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा इसको सही करने का, ठीक है दोस्तों? चलो आगे देखते हैं। अब हम सबसे पहले इसको खोलेंगे, यहाँ से खुल जाएगा, ऊपर की तरफ से ये पाइप लगाने का होता है, उधर से इस तरीके से खोल देंगे। और इसको खोलने के बाद इसके ऊपर की एक क्लिप और लगा हुआ होता है, ठीक है? इस क्लिप को खोलेंगे जी, या फिर किसी भी चीज़ की साथ में खोल देते हैं, इसकी नोट कागज से पटनी को इस तरीके से खोलने के बाद आराम के साथ में उठा लेंगे, ठीक है? अब दोस्तों देखो, इसके अंदर है ये मैग्नेट, ठीक है? जिससे ये घूमती है ना, ये घूमता है, पानी से प्रेशर ऊपर आता है यहाँ पर, तो हम इसको बाहर निकालेंगे। देखो इसको थोड़ी मजबूती के साथ पकड़ कर खींचेंगे ना तो ये बाहर को आ जाएगा, ठीक है? देखो ये तो आ गई, लेकिन हमें ये पूरी चाहिए बाहर इस तरीके से, ठीक है? ये बाहर निकल गई, इसकी एक रबड़ी अंदर ही रह गई थी, ये सिर में लगी रहती है, ठीक है? अब दोस्तों देखो, ध्यान से देखो इसमें हुआ क्या है। ये देखो इतना गंदा हो रहा है, ये जो हम कूलर के अंदर पानी डालते हैं उस पानी में, आपको पता है सबको कि नमक होता है पानी में, तो ये नमक की एक लेयर जम गई है इसका। देखो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा साफ करके, ये किस तरीके की लेयर है। ये काफ़ी टाइम हो जाता है पानी में पड़े पड़े, तो ये एक इस पर नमक की लेयर बन जाती है, जिस वजह से ये दिक्कत होती है। देखो ये हमने साफ करके सुखा दिया यहाँ से। अब आप यहाँ से देखो इसका कलर भी ओरिजिनल में कैसा है और अभी इसका कैसा, ठीक है? तो हमें क्या करना है, बस सिंपल सा काम यही करना है कि हम कोई पेट्रोल वगैरह केमिकल ले लेंगे कोई सफाई करने का, और हम इसको पूरे को साफ कर देंगे इस तरीके से। इसको रबड़ को निकाल के बाहर, और हम इस तरीके से इसको साफ कर सकते हैं। वो अंदर डाल के इसको साफ कर देंगे। ठीक है, अंदर से भी साफ हो गया। अब हम इसको चेक करके देखते हैं। इसका एक सिरा हम यहाँ से डाल लेंगे अंदर, और दूसरे सिरे पर रबड़ लगा देंगे। ये इस रबड़ का काम होता है दोस्तों, देखो ये इसमें देख रहे हो, ये यहाँ पे फिट होती है जगह, इस तरीके से इसके अंदर फिट हो जाती है। और ये दूसरा सिरा जो है इसी तरीके से अंदर में सुराख है छोटा सा, ये जगह अंदर सुराख में फिट हो जाएगी। अब इस तरीके से हमने इसको पैक कर दिया, बढ़िया तरीके से इसको फिट कर देंगे, और फिट करने के बाद अब हम इसको चला के देखते हैं। ये सही तरीके से काम करने लगे। मैं इसका क्लिप उतार के आपको दिखाता हूँ चला के। अभी देखो ये काफी हिल रही है इधर उधर को, जब हमें इसका एक क्लिप लगा देंगे ना क्लिप, तो ये फिर हिलेगी नहीं, क्योंकि ये इसके अंदर फंस जाएगी
और ये दोनों बीच में इसको यहाँ पे सेंटर में मेंटेन करके रख लिया है इसका। देख रहे हो दोस्तों, ये देखो कार्बन किस तरीके से चलता है इसके लिए। इस सबको क्लीन कर देंगे हम अंदर से भी और बाहर से भी, और फिर हम अपनी मोटर को जहाँ से खोला था जिस जो तार हमने खोले थे वो तार इसी तरीके से फिट कर देंगे, क्योंकि जब ये पंखड़ी चलती है ना तो यहाँ से पानी ऊपर को फेंक दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।